फ्यूचर स्टार ऑफ माय कंट्री, मैं आपका SY फिर से आपका RTP के इस लास्ट लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो इस RTP के लास्ट लेक्चर 15 लेक्चर में अभी तक हमने आपने देखा होगा कि हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लिया, और यदि जो जो टॉपिक का मैंने यहाँ पे नाम लिया है वो टॉपिक आपको समझ में आता है, जो भी शब्द हमने यहाँ पे बोले हैं, जो भी रिएक्शन हमने यहाँ पे यूज किए हैं, रिएक्शन जो है सॉल्व किए हैं, देखे हैं, अगर वो आपको आता है तो गारंटी 99% क्वेश्चन तो आपके मिलने वाले, सही होने वाले। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं RTP का लेक्चर नंबर 15, लास्ट लेक्चर। इसमें हम फुल सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आता है दो चैप्टरों से, इसे हाइड्रोकार्बन के एल्कीन में भी पढ़ते हैं और इसे एल्कोहल में भी पढ़ते हैं, और ये एक स्टेप रिएक्शन है, सिंपल एल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कभी भी एल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, और ये मैकेनिज्म भी आपको पता है कि ये वाटर कैसे बाहर निकलता है। H2SO4 से हमें प्राप्त होता है H+ और HSO4-। इसका जो H+ होता है ये एल्कोहल के लोन पेयर को पहले लेता है और फिर यहाँ से H2O को बाहर निकाल लेता है। तो सबसे पहले बनेगा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ध्यान से देखिए, ये एक रिंग A है 6 मेंबर, दूसरी रिंग B है 5 मेंबर, और आप जानते हैं कि कार्बोकेटायन की एक बुरी आदत है रिएजमेंट शो करने की, तो यहाँ भी कार्बोकेटायन वो अपनी उस आदत से बाज नहीं जाएगा और वो रिएजमेंट शो करने की कोशिश करेगा और मोर स्टेबल बनने के लिए ट्राई करेगा। अगर बन सकता है तो इसमें मोर स्टेबल बनने का एक रास्ता नज़र आ रहा है कि अगर रिंग बी का ये वाला बॉन्ड, ये अल्फा और बीटा के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, रिंग बी के ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए और बीटा और केटायन के बीच में बॉन्ड बन जाए ये, तो 2 6 मेंबर की रिंग बन जाएंगी। और ये बन जाएगा जी, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी दो वजह, पहली वजह दोनों रिंग 6 मेंबर रिंग है, दूसरी वजह आपको बता दूं दोनों 6 मेंबर रिंग, अल्फा एच यहां पर ज्यादा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मात्र 2 थे, ये जो लेफ्ट साइड वाला अल्फा कार्बन है इसी का हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता, राइट साइड वाला अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इस अल्फा पर 2, इस अल्फा पर 2, इस अल्फा पर 1, तो कुल हो जाएंगे 5। तो ऑब्वियसली एक तो अल्फा एच ज़्यादा है, ऊपर से ये दोनों 6 मेंबर रिंग है, तो ये फाइनल केटायन बनेगा जी। तो सबसे पहले H यहाँ पर जुड़ेगा और वह इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देगा, और इसी मोहल्ले में HSO4- है और मोहल्ले को आप हीट भी कर रहे हैं, तो ये HSO4 अपने H+ को वापस लेना चाहेगा। इस केटायन के 3 पड़ोसी कार्बन एटम हैं, एक पड़ोसी ये वाला है ना ये, एक ये पड़ोसी, दूसरा ये पड़ोसी, तीसरा ये पड़ोसी। अभी तीनों पड़ोसी में से किसी एक पड़ोसी से हाइड्रोजन चुरा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन चुरा सकता है, यहाँ से भी चुरा सकता है, यहाँ से भी चुरा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा HSO4- वापस H+ चुराएगा, तो अगर ये इस तिराहे से हाइड्रोजन चुराएगा तो ये बनेगा ये कंपाउंड, और अगर इन दोनों, ये दोनों पड़ोसी कार्बन एटम केटायन की, ये दोनों पड़ोसी कार्बन एटम आपस में सेम है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन चुराता है तो ये बनेगा आपका ये। यदि कोई पूछे इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आप बताएंगे कि पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें इसने लिख रखा है कि आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही बताना है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ये इवन मैकेनिज्म द्वारा होता है, ये इवन मैकेनिज्म है, इवन रिएक्शन है, इसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शन भी कहते हैं आप। ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी है और एल्कीन बनाने का तरीका है, ठीक है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और ऐसे कंपाउंड की रिएक्टिविटी, ऐसे रिएक्शन की रिएक्टिविटी यानी कभी भी कोई पूछे कि एल्कोहल का H2SO4 से रिएक्टिविटी ऑर्डर या E1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हम क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन रिएक्शन। ये जो पहला केटायन बनता है जिसका स्टेबल होगा उसमें ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा।
हाँ, इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने वाली हो तो वही एल्कीन मेजर होगी जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो इसमें मेजर एल्कीन होगी ये। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक इवन रिएक्शन है, इंटरमीडिएट केटायन बनता है, रिएजमेंट की संभावना है, एक से ज़्यादा एल्कीन बन सकता है, मेजर कौन होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसकी रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका केटायन स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी फास्ट। क्वेश्चन नंबर टू, इसका आंसर होगा आई थिंक डी, आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आप प्रोपाइल एसिटो एसिटेट। जी ये है एसिटो, ये एसिटेट और इधर लगा है प्रोपाइल। अगर आप यहां खोलें, ये CO2 लिखा हुआ है, तो इसमें C एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक ऐसे जुड़ा होगा, और ये C डबल बॉन्ड। अब आपसे बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन है X, CH2 का हाइड्रोजन ये X है, और ये हाइड्रोजन CH3 वाला Y है, ये हाइड्रोजन W है, ये हाइड्रोजन V है, इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपसे पूछ रहा है, तो कौन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन के साथ पड़ोसी कार्बन एटम, ये राइट साइड में एक माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम माइनस आई, ठीक है। वी के एक साइड में माइनस एम माइनस आई ग्रुप है, डब्लू के दोनों साइड में माइनस एम माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, ये भी माइनस एम माइनस आई, तो डब्लू वी के कंपेयर में तो ज़्यादा एसिडिक होगा, ये हमें पता है। ओके, मोस्ट एसिडिक बताना है तो वी हो नहीं सकता, क्योंकि वी से ज़्यादा एसिडिक डब्लू आ चुका है। अब हम X की चर्चा करें, तो X के साथ अटैच ही ऑक्सीजन है जो माइनस एम ग्रुप नहीं है, सिर्फ माइनस आई का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आज इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, और ये Y वाला तो और कम एसिडिक होगा, तो याद रखिएगा। या ऐसे बता दें, अगर आपने V के हाइड्रोजन को हटाया तो माइनस आज सिर्फ इस कीटोन के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। अगर आपने W के हाइड्रोजन को हटाया, V के हाइड्रोजन को हटाया, तो एक बार रेजोनेंस होगा, W के साथ दो बार रेजोनेंस हुआ, V के हाइड्रोजन को हटाने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बनेगा, W के हाइड्रोजन हटाने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बनेंगे, और अगर हम X के हाइड्रोजन को हटाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और अगर हम Y के हाइड्रोजन को हटाएं, हाइड्रोजन माइनस करें, माइनस H प्लस, तो Y के हाइड्रोजन में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जिसकी हाइड्रोजन के हटने के बाद एनायन स्टेबल होता है, रेजोनेंस करता है या एरोमेटिक हो जाता है, उस हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर हाई होता है, तो इसमें एसिडिक करेक्टर सबसे हाई किसका हो जाएगा, W का। कोई ऑर्डर पूछे तो सबसे अधिक W होगा, उसके बाद V होगा। अब X और Y में बात करें, तो X के साथ जुड़ा हुआ एक ग्रुप प्लस, ये भाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस तो नहीं करेगा, लेकिन माइनस आई का तो काम करेगा, तो इसके बाद X होगा और फिर Y। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन W, लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन Y। क्वेश्चन टू, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका GOC में आपने पढ़ा है, तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि दो एसिड हैं, एक HA एक HB, आपसे पूछा जाए कौन अच्छा एसिड होगा, तो आप इनके हाइड्रोजन को हटाना, यहाँ पर बनाना HA से बनेगा A- और HB से बनेगा B-, इनको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, और जिससे आपने हाइड्रोजन हटाया इनको एसिड कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या एनायन। तो हाइड्रोजन हटाओ, जिसका एनायन स्टेबल वो हाइड्रोजन तेज हटेगा, एसिडिक करेक्टर हाई होगा। ये क्वेश्चन नंबर टू, ये आपका GOC में कब पढ़ते हैं, और ये एल्कोहल ईथर और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन है कि इसका रिएक्शन देखो, अब ये कई चैप्टर में ये है, ग्रिग्नार्ड एजिन का रिएक्शन एल्कोहल के साथ है, ग्रिग्नार्ड एजिन का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ है, ग्रिग्नार्ड एजिन का रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ है, एसिड डेरिवेटिव के साथ है, और साथ में ये हीटिंग इफेक्ट भी है, तो ये क्वेश्चन में कई चैप्टर शामिल है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन भी शामिल है, एल्कोहल ईथर भी शामिल है, हैलोजन डेरिवेटिव ग्रिग्नार्ड एजिन भी शामिल है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी शामिल है ना, तो कई चैप्टरों को मिला के क्वेश्चन बना है।
और इसे आपने पढ़ा कहाँ होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये वाला। इसमें होगा क्या कि आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, बहुत सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट हैं, तो पहला ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा एसिड बेस रिएक्शन द्वारा, है ना, ये बन जाएगा O माइनस, यहां जुड़ जाएगा MgBr प्लस बेंजीन C6H6, ठीक है। दूसरा ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करेंगे, यहां पर इस Cl को हटाएगा SNI मैकेनिज्म द्वारा और यहां पर बन जाएगा ये। फिर तीसरा इसी पर फिर अटैक करेगा और ये बना देगा ये, यहां पर दो बेंजीन आ जाए, यहां पर दो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होंगे, यहां पर दो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा, यहां पर एक ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा, एसिड बेस करेगा और एल्डिहाइड कीटोन में आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और एक ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होता है, तो यहां पर बन जाएगा ये ओ माइनस एम जी बी आर, और इस एल्डिहाइड में भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा पी एच एच और ओ माइनस एम जी बी आर प्लस। तो अब यहां देखिए कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया आपने, ग्रिग्नार्ड एजेंट कितने यूज किया, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट ये यूज हुआ, दूसरा ग्रिग्नार्ड एजेंट ये यूज हुआ, तीसरा ये यूज हुआ, चौथा यहाँ पे यूज हो गया, तो चार ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पर यूज हुए। तो आप यहाँ पर कितने भी ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे एक्स की वैल्यू चार होगी, चार ही एक मॉलिक्यूल पे चार यूज होंगे, ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसको हीट करते हैं तो बी और सी दो कंपाउंड बनते हैं और बोल रहा है कि सी गैस है और आपको पता है कि ये कार्बोक्जिलिक एसिड का ये अल्फा कार्बन ये बीटा, कार्बोक्जिलिक एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन हो तो उसको हीट करने से कार्बोक्जिलिक एसिड का CO2 अपने आप बाहर निकल जाता, एक CO2, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा और जो C है ये CO2 गैस बनेगा, ये CO2 C CO2 गैस है और प्लस जो B है ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सा डाईओड, ये B है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम कंज्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इन इन ए, ए के फॉर्मेशन में कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम हुए एंड मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड सी, एंड मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड सी प्लस मॉलिकुलर मास ऑफ, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम इन फर्स्ट रिएक्शन में, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, दोनों को जोड़ के वैल्यू बताना है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट चार कंज्यूम होंगे और CO2 का मॉलिकुलर मास 44 होता है, 44 ही होता है ना, अरे कार्बन के 12 ऑक्सीजन के 32 44, 44 और 4 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। जी एक बात याद रखना यहाँ पर कि कभी भी कार्बोक्जिलिक एसिड अगर कहीं पर जुड़ा है इसके बीटा कार्बन पर कीटोन है या बीटा कार्बन पर इमाइन है NH है या बीटा कार्बन पर थायो कीटोन है या बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है एल्कीन है तो इसको हीट करने मात्र से ही CO2 बाहर निकल जाता, हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा है कि एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों तो इनको भी हीट करने से भी CO2 बाहर निकल जाता है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, तो ये आपको याद होगा, है ना, तो ये कई चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें दो चैप्टर शामिल है, एक तो एल्कीन है हाइड्रोकार्बन, है ना, साथ में एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन से यहाँ पे शामिल है, दो चैप्टर हाइड्रोकार्बन। आपको पता है कि ओजोन जिंक वन मोल लिखा है, वन इक्विवेलेंट लिखा है, अर्थात इसमें ढेर सारे पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये उस बॉन्ड पर अटैक करेगा जो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, और मैं आपको बताऊं इसमें ये वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक करता है क्योंकि दो बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पर बरकरार रहती है बिल्कुल, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर। वैसे भी आप देखिए हर ऑप्शन में क्या दो बेंजीन बना रखा है,
तो हमें यही बीच वाला बॉन्ड ही तोड़ना है, तो तोड़ करके हमें बनाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोचे तो हमें ये बनाना है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, CHO, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो किसी कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। एल्कीन के किसी कार्बन पर हाइड्रोजन है उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पर एल्डिहाइड बनता है। अभी एल्डिहाइड जी इसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेट KOH के साथ करा रहे हैं, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड दोनों ऐसे एल्डिहाइड हैं विदाउट, ये है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेट KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। तो एक एल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होगा वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, पोटेशियम, जरा सोचिए बताइए इस रिएक्शन को, आपके मन में याद आ रहा होगा, बताइए ये रिएक्शन को क्या कहते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बहुत इस पे आपने चर्चा किया। और जो सेकेंड रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके एग्जाम में 4 दिन में 8 शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो कम से कम 4 शिफ्ट में कम से कम 4 बार ये ओजोनोलिसिस और कैनिजारो रिएक्शन तो पक्का आएगा। हो सकता है कि 6 बार भी आ जाए, हो सकता है 8 बार भी आ जाए, अलग ही 8 चांसेस कम है। अब पता नहीं किसके हिस्से में आएगा ये हमें पता नहीं। चलिए तो ऑप्शन क्या है कि एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, दूसरा एल्कोहल है। इसमें देखो एल्डिहाइड और एल्कोहल है, ये हो नहीं सकता। इसमें सॉल्ट और एल्कोहल है, ये हो सकता है। इसमें दोनों एल्कोहल है, ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों सॉल्ट है, ये नहीं हो सकता। कैनिजारो रिएक्शन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा कठिन, ज़्यादा कठिन नहीं, पर आप तैयार रहें। कैसे काम करेंगे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आप सब जानते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, यू नो अबाउट इथाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बोनिल कंपाउंड। यह इथाइलिन ग्लाइकॉल जी, इसका रिएक्शन कराते हैं H प्लस से करा के हीट करते हैं। और हम यहाँ पे जी ये आप रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ एल्कोहल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, या ऐसा रिएक्शन मोजिंगो रिडक्शन में भी आपने पढ़ा, पर यहाँ रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है। मोजिंगो रिडक्शन तब होता है जब आदमी इसके साथ H2 और निकिल कैटलिस्ट लिया होता जी, तो वैसे ही कुछ रिएक्शन यहाँ होने वाला है। इसमें होगा क्या कि रिएक्शन होगा यहाँ से दोनों H और ये बाहर निकल जाएंगे और ये बन जाएगा आपका बिस, प्लस दिस, ये बना ईथर, इसे बने केटल ग्रुप। ये कीटल, ये कीटल ग्रुप है ऊपर वाला और ये अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल। फिर इसका रिएक्शन PCC से कराते हैं तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है लेकिन ईथर पे कुछ नहीं करता, तो ये इस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में कर देगा जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमें बन जाएगा ये, हमें प्राप्त हो जाएगा ये यहाँ एल्डिहाइड। फिर से एल्डिहाइड का रिएक्शन हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं, ETMGPR। तो आप जानिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है
ये कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसका ईथर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन विथ ईथर, क्योंकि ईथर में ना ईथर के साथ ग्रिग्नार्डीजन का कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ किसके साथ होता है, यहाँ पर इस एल्डिहाइड कीटोन के साथ होगा, और ये ईटी माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा ये बन जाएगा। MgBr this one. फिर आप अगर आप वाटर यूज करेंगे और वाटर यहां H+ के साथ यूज हो रहा है, तो पहले वाटर इस बॉन्ड को, इस आयनिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा और यहां अल्कोहल बनेगा, और दूसरा ये इस एसिटिल ग्रुप को भी यहां से तोड़ देगा, एसिटिल ग्रुप को तोड़ेगा, यहां H, यहां OH, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ H, यहाँ OH, और एक कार्बन पे दो OH, याद रखिए ये बन जाएगा। प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, और फिर ये इससे H2O बाहर निकल जाएगा, एक OH और एक H बाहर निकल जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाए एक कार्बन पे दो OH, जेम डाइऑल हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और इससे ये बन जाए, तो ये होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पर देखो ये तो हो नहीं सकता, ये मिथाइल ग्रुप लगा यहाँ पर कीटोन पर रिएक्शन करा रखा, ये हो नहीं सकता, तो इसमें तो कीटोन ग्रुप है ही नहीं, कीटोन और ये एल्कोहल, तो आंसर डी होना चाहिए। अच्छा, इसे हम कहते हैं इसे कहाँ पढ़ते हैं, ये वाला रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ये आपने कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा है, ये पीसीसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है, तो ये आपने एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है, ग्रिग्नार्डीजन हम हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, कुछ लोग एल्कोहल ईथर में भी पढ़ते हैं, तो ये आपके एल्कोहल ईथर या आपके हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, और वाटर की हाइड्रोलिसिस तो हर जगह पढ़ाई जाती है, तो कई चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताइए आप सोच के, तो ये क्वेश्चन करके बताओ, ईजी लग रहा है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, यार आपको पता है कि AlCl3 ये CH3COCl से एसिटिल क्लोराइड से Cl निकाल के बना देगा एसाइल कार्बोकेटायन, और ये एसाइल कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पर, दोनों में से किसी एक बेंजीन पर अटैक करेगा, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब बेंजीन दो है, एक ए जिससे NH जुड़ा है, एक बी जिससे CO जुड़ा है, NH जो है ये लोन पेयर की वजह से ये प्लस R है और CO माइनस R है, तो NH प्लस R है, CO माइनस R है, तो अटैक किस पर होगा, A रिंग पर होगा, A रिंग के किस पोजीशन पे होगा, याद रखिएगा ये प्लस R है, तो या तो इस ऑर्थो पर होगा या तो पैरा पर, याद रखना ऑर्थो या पैरा, लेकिन पैरा पर ज़्यादातर होता है क्योंकि पैरा पर भीड़ कम होती है, तो जो एसाइल ग्रुप है वो इस पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो बेंजीन रिंग हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, ठीक है, और इस ए रिंग के साथ NH जुड़ा है और NH लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम करेगा, और ये CO इलेक्ट्रॉन खींच के ये माइनस आर का काम करेगा, तो बेंजीन बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, बेंजीन ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, अटैक ए पर होगा और इस NH के पैरा पोजीशन पे, तो NH के पैरा पर COCH3 लगा होना चाहिए, ये NH के मेटा पर COCl लगा है, हो नहीं सकता, ये इस कीटोन बी रिंग के पैरा पोजीशन पे COCH3 लगा है, ये हो नहीं सकता है, ये COCH3 है ना इस रिंग के मेटा पोजीशन पे लगा हुआ COCH3, ये हो नहीं सकता, तो बचा क्या, ये NH के पैरा पोजीशन पे COCH3 लगा हुआ, ऑप्शन सी।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेई मेंस में। अगर 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, एक एक स्टेप वाले। 1-2 क्वेश्चन कठिन होंगे, तो अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन कठिन लगे तो लीव दैट। 9 में से 8 कर लिया, अच्छी बात है। 8 अगर आपने ऑर्गेनिक में कर लिया, 8 इनऑर्गेनिक में कर लिया, मतलब कहने का, और 8 आपने फिजिकल में कर लिया, तो 3 क्वेश्चन सिर्फ छोड़ा। ऐसे ही आप यूँ समझो कि आपने सिर्फ, मैं करूँ 8 या 7-7 कर लिया, तो भी 21 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री के कर लिए, 21 फिजिक्स के कर लिए, 21 मैथ्स करो, बेहतरीन NIT IIIT आपको मिलने वाली। चलिए, हाँ जी, ये हीटिंग इफेक्ट, सॉरी मैं हीटिंग इफेक्ट बोल दिया, आपने पढ़ा होगा पायरेटिक या थर्मल इलिमिनेशन रिएक्शन, या आपने ये पढ़ा होगा सेटजप एंड हाफमैन इलिमिनेशन। आपने एक चीज पढ़ा है कि ये एक प्रकार का E2 रिएक्शन, ये बेस है, बेस और हीट है, तो ये बेस बन के यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा, और ये NME3 एक लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, एक लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप बल्की साइज का है। तो आपने पढ़ा है कि जब बल्की साइज का लिविंग ग्रुप होता है तो इलिमिनेशन जो होता है वो हाफमैन मेथड द्वारा होता है, पढ़ा है ना आपने। तो ये यहाँ पर इलिमिनेशन होगा और अल्फा से निकलेगा या ट्राइमिथाइलेमाइन, और ये बीटा कार्बन, एक तो ये बीटा, दूसरा ये बीटा, तीसरा ये बीटा डैश, ये दोनों बीटा आपस में सेम। अगर आप बीटा से हाइड्रोजन हटाओगे तो वो सेटजप इलिमिनेशन होगा, और अगर आपने बीटा डैश से हाइड्रोजन हटाया तो वो हाफमैन इलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर बीटा डैश से हाइड्रोजन हटेगा और ये वाला कंपाउंड मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन विल द प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेम क्वेश्चन को यहाँ पर CH3 लिख दिया, यहाँ पर NME3 लिख दिया प्लस, और ये OH- को बाहर, और साथ में हीट, इसे कहते हैं अमोनियम 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पर हीट का इफेक्ट, इसे कहते हैं पायरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन। इसके अंदर बेस मॉलिक्यूल के अंदर ही है, ये बेस आप बाहर से भेज रहे हैं, ये बेस अंदर ही, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेंगे, इसमें भी यही बनेगा प्रोडक्ट। आपने पढ़ा है कि किस किस कंडीशन में, देखो ज़्यादातर इलिमिनेशन जो होता है, अगर इवन मैकेनिज्म से इलिमिनेशन होता है तो वो सेटजप प्रोडक्ट ही बनाता है। इवन अगर कहीं मैकेनिज्म होता है तो मेजॉरिटी सेटजप प्रोडक्ट होता है, सेटजप रूल से होता है इलिमिनेशन, है ना। और अगर E2 होता है तो वो आपका सेटजप रूल और प्लस हाफमैन रूल दोनों से गवर्न होता है। सेटजप रूल कब होता है? इन मोस्ट ऑफ केसेस, सभी केसेस में लगभग सेटजप रूल होता है। ये होता है ओनली ए फ्यू केसेस, जैसे जब लिविंग ग्रुप की जगह आपको क्या दिखे, F या OAC, पुअर लिविंग ग्रुप, तो हाफमैन इलिमिनेशन करा देना। जब लिविंग ग्रुप की जगह आपको क्या दिखे, बल्की लिविंग ग्रुप, जैसे ट्राइमिथाइलेमाइन, है ना, अमोनियम ग्रुप, डाइमिथाइल सल्फर, या और अगला, व्हेन बेस इज वेरी बल्की बेस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस हो, तो हाफमैन इलिमिनेशन कराते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी किसी इलिमिनेशन में एक तरफ कंजुगेशन बढ़ रहा हो, रेजोनेंस होने बढ़ने के चांस हो, और एक तरफ रेजोनेंस बढ़ने के चांस ना हो, तो वहाँ हम हमेशा मोर स्टेबिलिटी देखते हैं। ये सेटजप और हाफमैन रूल हम याद करते हैं वहाँ जहाँ पर कंजुगेशन नहीं होता। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बोला या, अब मैंने रिवाइज करा रहा हूँ तो बता ही दूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा F, अब F लिखा है तो F एक पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया NaOET से करा के और हीट कर दिया, तो हमें क्या है, सेटजप मेथड द्वारा इलिमिनेशन कराना, हाफमैन रूल द्वारा। तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन है फ्लोरीन का, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा डैश है, और सेटजप के अकॉर्डिंग यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये एल्कीन बनेगा। लेकिन बेटा मेरे कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे क्लोरीन होता, अगर सपोज इसके स्थान पे हमने क्लोरीन ले लिया होता,
तो हम इसी में हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते और मेजर प्रोडक्ट ये बना देते। अच्छा, फिर मैंने ये बोला, एक शब्द बोला कि बाई चांस एक तरफ कॉन्जुगेशन हो, ये तो नॉन कॉन्जुगेटेड वाला हो गया। ये अगला एग्जाम्पल आप मानिएगा, मेरे पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, इधर एक कॉन्जुगेटेड पोजिशन पर डबल बॉन्ड है। अब हमें पता है कि इस बीटा से हाइड्रोजन हटा और यहाँ से फ्लोर लिविंग ग्रुप हटा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम किसी का रूल फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही मेजर होगा। तो ये वाला यहाँ पर ये मेजर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो सही होगा। तो इसके स्थान पे क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट, दोनों में सेम बनेगा। तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन हटने से रेजोनेंस बढ़ रहा हो और एक तरफ हाइड्रोजन हटने से रेजोनेंस नहीं बढ़ रहा हो, तो हमेशा रेजोनेंस बढ़ा लेना, किसी का नियम याद मत करना। दूसरा, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन ना तो किसी भी साइड से हाइड्रोजन हटाने पर कॉन्जुगेशन नहीं बढ़ रहा हो, तब आप हाफ मैन और सेटजब का रूल अप्लाई कर देना, अब गलत नहीं होगा आपसे।